एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर टू के बारे में, और इस पेपर टू में हम लोग बेसिकली फिलहाल देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के बारे में, और इसमें हम लोगों ने फिजियोग्राफी वगैरह देख रखी थी। फिजियोग्राफी में हम लोगों ने बेसिकली हिमालयन फिजियोग्राफी के बारे में देखा है, और हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखा है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में, या जिसको बोला जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, इन सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग ज्योग्राफर के द्वारा दी गई है, जैसे आरएल सिंह वगैरह हो गए, इनके बारे में, और उसके बाद हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट को पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही हैं, इनको आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज, जिसके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो रखी है, जिसमें लोगों ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। तो 17 मई से फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो बस एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी आप रजिस्टर कर सकते हैं कर लीजिए, 17 को हमारी फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द ओरिजिन एंड एविडेंसेस ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जहां पर हम लोगों ने एडवर्ड स्वेस मॉडल बारे में बात किया था, हम लोगों ने एस बुराड के बारे में बात किया था, हम लोगों ने ब्लैंडफोर्ड के मॉडल के बारे में बात किया था, फिर हम लोगों ने रिमनेंट्स ऑफ सी के बारे में बात किया, और फिर लास्टली हम लोगों ने बात किया था रिसेंट व्यूज के बारे में, जहां पर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चल रही थी, और इस तरीके से हम लोगों ने ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के ओरिजिन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लुक इनटू फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। अगेन काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, क्योंकि यहां पर भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आपसे बन सकते हैं। चलिए, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर अ रिमार्केबली होमोजीनियस सरफेस विद एन इम्परसेप्टिबल स्लोप। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ही रखा है, अब हम लोग देखिए फोटो नहीं बनाएंगे, मतलब कि जो हिमालय वाला फोटो था वो नहीं बनाएंगे, अब हम लोग ग्रेट प्लेन की फोटो बना रहे होंगे। अब यहां पर क्या होती है, अलग अलग टाइप की, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी मान लेते हैं हिमालय है, यहां से अगर रिवर निकल रही है तो यहां से सेडिमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा एरिया सेडिमेंट एरिया है, सपोज दिस इज सेडिमेंट एरिया। लेकिन ये जो सेडिमेंट एरिया होगा वो ऑब्वियसली अलग अलग टाइप का होगा। कैसे टाइप का होगा, क्योंकि देखिए यहां पर जब सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे तो यहां जो सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे इस एरिया में, एकदम रिवर की कह सकते हैं कि फूट हिल्स ऑफ हिमालय में, ये बड़े बड़े सरफेस, बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे, मतलब ये कोर्स ग्रेन के एरियाज होंगे, दीज आर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर्स। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, वहां पर मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा होगा, पी बराबर एमवी होता है, मोमेंटम अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मास कम होगा, यानी कि कम मास का वेलोसिटी ज्यादा होगा, कम मास किसका रहेगा, जो हल्का रहेगा, जो हल्का रहेगा वो यानी काफी दूर तक निकल करके आ जाएगा, जो भारी होगा उसकी वेलोसिटी कम, कम वेलोसिटी सीधी सी बात है वो डिपॉजिट हो जाएगी, तो ये यहीं पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं देयर विल बी वन लेयर जो कि कोर्स लेयर की होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो लेयर है यहां पर, ये जो होता है वो कोर्स ग्रेन की है, मतलब मोटी ग्रेन है, दीज आर कोर्स ग्रेन। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद से कुछ होंगी एरियाज जो रिलेटिवली इनसे कम कोर्स होगी लेकिन फाइन से भी थोड़ी मोटी होंगी, यानी कि आप कह सकते हैं दीज आर फाइन ग्रेन, ये फाइन ग्रेन बोल सकते हैं। तो ये एरिया हमारा फाइन ग्रेन का एरिया हो जा रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब इसके बाद से बनती है यहां पर एरिया जो क्लेई होगी, क्लेई मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फाइन है, दिस इज एक्स्ट्रा फाइन, मतलब बहुत ही पतला है, एक्स्ट्रा फाइन हो जाती है। हमारे एग्रीकल्चर के लिए कौन सी बढ़िया है, फाइन ग्रेन होती है, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए फाइन ग्रेन अच्छी होती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फाइन भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो वहां पे वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या चीज होती है हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। चलिए खैर, तो यहां पर देखिए, इनफैक्ट दे आर फीचरलेस एलुवियल फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म्ड मोस्टली बाय द डिपोजिशनल प्रोसेस ऑफ हिमालयन एंड विंध्यन रिवर्स, ठीक है। तो दीज रिवर्स डिपॉजिट इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट अलोंग द फुट हिल्स, बियॉन्ड द फुट हिल्स द रिवर डिपॉजिट द एलुवियम इन देयर फ्लड प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में बी डिवाइडेड टू फॉलोइंग सब रीजन। तो इस तरीके से ड्यू टू दिस लेवलिंग ऑफ द प्लेन, यहां पर हम लोग अलग अलग तरीके से इसको सब रीजन में डिवाइड कर दे रहे होते हैं, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रेन्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन, तो इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इसको बोलते हैं भाबर प्लेन, दूसरे को बोलते हैं तराई प्लेन, फिर होती है हमारी खादर प्लेन, और लास्ट में हमारी हो जाती है बांगर प्लेन।
अब इसको मैं आसानी से पहले आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद से वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारी माउंटेन है, माउंटेन के बाद जैसे ही निकलेगा यहां से रिवर, तो मैंने आप लोग को बताया था कि यहां पर भारी पार्टिकल रहेंगे, कोर्स ग्रेन रहेगी, दिस विल बी COARSE कोर्स ग्रेन। इस कोर्स ग्रेन को बोला जाता है कि ये भाभर प्लेन है, दिस इज भाभर प्लेन। भाभर प्लेन के बाद क्या होता है कि एक इलाका आता है जहां पर पानी गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, तराई रीजियन, डिप्रेशन का रीजियन होता है ये, दिस इज डिप्रेशन रीजियन। इसके बाद आती है यहां से वापस से रिवर जो होती है, मान लीजिए रिवर जो निकल रही है वो वापस से रीअपियर हो जाती है, ये मान लेते हैं कि रिवर जो होती है वो रीअपियर हो गई, रिवर रीअपियर, रीअपियर होगी तो ऑब्वियस ही बात है नए सेडिमेंट को उठा उठा करके लेके आएगी, तो जो नए सेडिमेंट यहां पर डिपॉजिट करेगी लेवीज के फॉर्मेट में, यहां पर जो नए सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी उसको बुलाता है खादर, दिस इज खादर प्लेन। और जो प्लेन कभी खादर रही होगी लेकिन आज की डेट में वो पुरानी हो गई है, क्योंकि देखिए ये जो सेडिमेंट आई है ये कभी कभी ना कभी आगे जा करके दूसरे जगह पर मतलब इस एरिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी पुरानी, मतलब कह सकते हैं ये जो एलुवियम है, ये जो सेडिमेंट है वो पुराना सेडिमेंट है, तो ओल्डर जो सेडिमेंट है या ओल्डर एलुवियम है इसको बोला जाता है कि ये बांगर है, बांगर प्लेन। खेती के हिसाब से मतलब एग्रीकल्चर वाइज अगर बात करें तो देखिए खादर प्लेन और बांगर प्लेन दोनों ही अच्छी होती हैं, बस खादर जो होती है कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्या चीज होता है, व्हाट ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज प्लेन्स, हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली ये क्या चीज है। अब इस पूरे फोटो को आप अपने दिमाग में बिठा करके रखे रहिएगा क्योंकि हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे। और यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो कोर्स मटेरियल है, कोर्स मटेरियल मतलब आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, बड़े बड़े पत्थर रहेंगे, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल रहेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर क्या वाटर रिटेंशन रहेगी, क्या नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है इनके बीच का ये जो वॉइड गैप है, इनके बीच का ये जो कह लीजिए फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस जो है वो काफी ज्यादा है, तो पानी जब भी आएगा, पानी को जरा ब्लू कलर से देख लेते हैं तो ज्यादा सुंदर लगेगा। मान लेते हैं कि पानी जैसे ही आएगा इस पूरे पूरे क्षेत्र में, तो पानी क्या है इन पोर्स के सहारे ये धीरे धीरे करके कहां चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, ये पूरा धीरे धीरे करके एकदम नीचे चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि इन सॉयल्स में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए अगेन कलर को चेंज करते हैं क्योंकि अब हम लोग बनाने वाले पेड़। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारी पेड़ बन गई है, ये मान लेते हैं कि ये हमारी वेजिटेशन है, ये हमारी वेजिटेशन है, ये हमारी वेजिटेशन है। इस वेजिटेशन के लिए नीचे क्या होगी, इसकी रूट्स वगैरह जाएंगी, इनकी जड़ वगैरह नीचे जाएंगी, जड़ों में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम वाला फंडा स्टार्ट हो जाएगा। जाइलम मतलब कि वाटर को ये सोखेगा, वाटर को ये यहां से अट्रैक्ट कर रहा होगा, वाटर को यहां से ये ले रहा होगा और अल्टीमेटली पौधे तक पहुंचा रहा होगा। लेकिन यहां पर वाटर है ही नहीं, जब वाटर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली इसको करना क्या पड़ेगा, जड़ों को नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा। जड़ों को नीचे तक पहुंचाने में जो हमारी फार्मिंग की क्रॉप होती है वो नहीं होती, यानी दीज क्रॉप आर नॉट सूटेबल फॉर फार्मिंग। रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहां पर कोर्स मटेरियल है और कोर्स मटेरियल में ऑब्वियसली हमें दिक्कत होती है, हमारे पास वाटर रिटेंशन नहीं हो पाती है। क्लियर हो गया, यानी भाभर सॉइल्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। चलिए खैर आगे बात करते हैं आप जरा वन बाय वन करके। तो भाभर सॉइल हम लोगों ने देख लिया कि ये जो होती है जस्ट माउंटेन के फुटहिल्स पे होंगी, तो इट लाइज टू द साउथ ऑफ शिवालिक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो शिवालिक के वही वेस्ट टू ईस्ट ये आ जाएंगी। इट्स विथ इज हाउवर मोर इन वेस्टर्न प्लेन देन इन ईस्टर्न प्लेन ऑफ हिमालय, ऑब्वियस ही बात है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हमारी यहां पर जो हमारी हिमालय है वो काफी वाइड है और यहां ईस्टर्न साइड में जाकर के काफी ज्यादा नैरो हो गई है, तो यहां से जो सेडिमेंट निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे, यहां से जो सेडिमेंट निकलेंगे वो कम निकलेंगे, ज्यादा सेडिमेंट तो ज्यादा यहां पर डिपोजिशन और यहां पर कम डिपोजिशन, बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। तो वही चीज है, विथ इनकी अलग अलग वैरी करती है, तो यहां पर 15 किलोमीटर अगर है तो यहां पर 8 ही किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। दिस कंसिस्ट ऑफ कोर्स मटेरियल, कौन से, ग्रेवल हो गया, अनसॉर्टेड सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम हिमालय टू शिवालिक। क्लियर, चलिए खैर। द पोरोसिटी इज सो हाई, पोरोसिटी का मतलब वाटर के नीचे तक चले जाने की जो हमारी पोटेंशियल होती है, कैपेसिटी होती है, तो पोरोसिटी इज वेरी हाई दैट मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम्स, जिनको चोज और रोज भी बोलते हैं, डिसअपीयर इन द भाभर ट्रैक, तो यहां पर पानी जो होता है प्योरली गायब हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि ये बड़े बड़े अगर पार्टिकल रहेंगे तो पानी ये सरफेस पर नहीं दिखेगा, सीधे के सीधे वो रॉक स्ट्रैटा मतलब कि एकदम बॉटम पे चला जाएगा।
तो ओनली द बिग रिवर्स कैन सीन फ्लोइंग ओवर द सर्फेस ऑफ दिस ट्रैक. तो ऑब्वियसली बात है, अगर वॉल्यूम ऑफ द वॉटर ज्यादा रहेगा देन ओनली इट कैन बी सीन ओवर द सर्फेस, अदरवाइज इट विल डिजापियर्ड, ये डिजापियर हो जाएगी. द भाभा ट्रैक्ट इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. क्यों? हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया, क्योंकि पानी है ही नहीं, क्या करें. तो ओनली बिग ट्रीज विद लार्ज रूट थ्राइव इन दिस रीजन. द इनहेबिटेंट ऑफ भाभा आर लार्जली द कैटल कीपिंग गुज्जर्स. तो ये जो है कैटल कीपिंग हो जाते हैं, कैटल वाले हो जाते हैं. तो आपको एक पूरा का पूरा क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर में क्या चीज है, समझ में आ गया क्या है. बाकी देखिए, हम लोग जब सॉइल के बारे में बात करेंगे तो मैं सॉइल के एक एक सॉइल के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा कि एनपीके डिसाइड किस पे होते हैं, कैसे आप बताएंगे यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा होगा, कैसे आप बताएंगे फॉस्फोरस ज्यादा है, कैसे आप बताएंगे पोटेशियम ज्यादा है. तो सारे हम लोग साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे होंगे. वी आर अप्लाइंग हियर फिजिक्स एज वेल एज बायोलॉजी. तो आपको अगर साइंस ग्रेजुएट होंगे तो काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में. चलिए खैर, अब इसके बाद से आती है नेक्स्ट हमारी तराई प्लेन. तराई प्लेन का मतलब क्या है कि दीज आर साउथ ऑफ भाभा ट्रैक्ट लाइज टू द तराई बेल्ट विच इज 15 टू 30 किलोमीटर वाइड. तो भाभर के बाद जस्ट आती है हमारी तराई की प्लेन. तो इट इज अ मार्शी ट्रैक इन्फेस्टेड विद मॉस्किटोज. क्यों? क्योंकि यहां पर पानी जो होता है भरा हुआ रहता है, और पानी भरा रहेगा तो भाई सीधी सी बात है वहां पर मॉस्किटोज का लार्वा आएगा. एक आपको छोटी सी फैक्ट की बात बताता हूं, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस ऑब्वियसली, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. मॉस्किटोज कई बार आपने देखा होगा कि आप नहीं रहते हैं एरिया, मतलब किसी कमरे में, लेकिन वहां पे मॉस्किटोज जो होते हैं वो नहीं होते, जैसे ही आप आ जाते हैं फटाफट मॉस्किटोज भी आ जाते हैं. क्यों? एक्चुअली मॉस्किटोज आर बीइंग अट्रैक्टेड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से मॉस्किटोज जो होते हैं वो आ जाते हैं. इसीलिए रात में कभी भी पेड़ के पास में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मॉस्किटोज ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मतलब निकाल रही होती है. चलिए खैर, तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग. द तराई इज मोर वाइड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स, स्पेशली इन ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र वैली ड्यू टू रेनफॉल. चलिए खैर, ये तो आपको आइडिया लगी गया. इट इज अ जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस, द थिक फॉरेस्ट, रिच वाइल्ड लाइफ एंड मलेरियल क्लाइमेट. तो यहाँ पर जो होती है वो थोड़ी मार्शी एरिया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो होती है वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर कीड़े मकौड़े और मॉस्किटोज वगैरह भी काफी देखने को मिलेंगे. कहाँ पे है ये? ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, एंड तराई फॉरेस्ट दैट हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. तो काफी अच्छी होती है खेती वगैरह के लिए, कल्टिवेशन के लिए काफी गुड फॉर cultivation, good for farming. At present, the Tarai belt is known for good cultivation of sugarcane, rice, wheat, maize, oilseed. हर तरीके की चीजें यहाँ पर मिल जा रही होती हैं. The Tarai once a marshy zone of jungle and wild grass along with the southern edge of the Shiva lakes has been almost entirely reclaimed for agriculture. चलिए खैर, तो आइडिया लग गया होगा क्या चीज है. नेक्स्ट वन इज बांगर्स प्लेन. बांगर प्लेन का मतलब मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर जब रिवर बह रही है तो कभी रहा होगा न्यू एलुवियम, नाउ इट हैज बीन जो होती है वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गई है, और शिफ्ट होने के कारण से यहाँ पर ये ओल्ड एलुवियम बन गई है. और ओल्ड एलुवियम का मतलब रेड एंड येलो सॉइल, एक तरीके से आप बोल सकते हैं दिस इज रेड एंड येलो साइड. ठीक है, द बांगर और ओल्डर एलुवियम प्लेन्स रिप्रेजेंट द अपलैंड एलुवियल ट्रैक ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाई ओल्डर एलुवियम. ठीक, द बांगर फॉर्मेशन वर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द मिडिल प्लीस्टोसीन पीरियड. ऑब्वियसली बात है कि इट विल टेक सम टाइम टू डिपॉजिट देयर एंड मेक द ओलिवियम एज ओल्ड. ठीक है, द बांगर प्लेन्स लाइज एबव द फ्लड प्लेन, फ्लड लिमिट्स ऑफ द रिवर. द सॉइल इज डार्क इन कलर, रिच इन ह्यूमस कंटेंट एंड प्रोडक्टिव. क्वेश्चन ये उठता है कि डार्क इन कलर क्यों है? बिकॉज इट हैज टेकन टाइम. इसको टाइम मिल गया है, और टाइम मिलने के कारण ये ऑक्सीजन के संपर्क में, मतलब कि ऑक्सीजन मतलब एयर के संपर्क में, एयर के कॉन्टैक्ट में आ गया है, और H2O के कारण से ये यहाँ पर OH-, इस OH- के कारण से यहाँ पर रिएक्शंस हो गई हैं, और इस रिएक्शन के कारण अल्टीमेटली इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है. इफ द सॉइल इज रिच इन आयरन देन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू Fe2O3. यानी ये बन गया लाल, यानी ये बन गया क्या, जंग लग गई इसमें, रस्ट हो गया. तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरीके से यहां पर देख लेंगे. एंड फ्रॉम वेयर दिस आयरन हैज कम, दिस आयरन विज बिन कम फ्रॉम सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से आयरन आ गई और वहां से ये Fe2O3 बना करके रेड सॉइल बना दिया है. येलो कैसे बना देगा? येलो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा पत्तों को, जो हमारे लीव्स होती हैं, जो अगर पुरानी हो जाती हैं तो पीली पड़ के गिर जाती हैं. क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि उसमें OH- के कंटेंट आ जाते हैं, और ये OH- अल्टीमेटली रिएक्ट करके येलो कलर दे रही होती है. तो इस तरीके से डार्क इन कलर ये हो जा रहे होते हैं. रिच इन ह्यूमस कंटेंट, अब ये रिच इन ह्यूमस कंटेंट कैसे हो गया? ह्यूमस जो होती है अल्टीमेटली क्या होती है, ये होती है बैक्टीरियाज. बैक्टीरियाज किस तरीके से डेवलप होंगे? डेवलप होंगे जब इनको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा एंड विद द टाइम दे डेवलप इटसेल्फ, अपने आप को डेवलप कर लेंगे, और इस तरीके से ह्यूमस जो होता है अच्छा खासा हो जाएगा.
प्रोडक्टिव तो खैर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके नेक्स्ट, इट कंटेन्स कंक्रीशन एंड नोड्यूल्स ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कंकर. तो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाती है, इट रिलेटिवली ड्राई एरिया में आ जाती है. और द बांगर्स ऑल्सो एग्जिबिट स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ सेलाइन एंड एल्कलाइन इफ्लोरेसेंस नोन एज रे कलर एंड थूर. से ये सब हम लोग बाद बात करेंगे जब हम लोग रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर रेह वगैरह के बारे में भी बात करेंगे क्या चीज है. बांगर इज जनरली वेल ड्रेन्ड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छी होती है, देखेंगे हम लोग. बांगर डिपॉजिट्स हैव द डिपॉजिट्स ऑफ एलिफेंट और ये सब चीजें, काफी ज्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी पाई जा रही होती है. नेक्स्ट आती है हमारी खादर प्लेन. खादर के बारे में जरा देख लेते हैं. द न्यू एल्यूवियम ट्रैक्ट अलॉन्ग द कोर्स ऑफ रिवर आर नोन एज खादर. तो ये न्यू एल्यूवियम है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटलैंड. तो बेटलैंड वाला जो इलाका होता है ये न्यू एल्यूवियम का ही होता है. द खादर ट्रैक्स आर इनरिच्ड बाई फ्रेश डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो जितने भी फ्लड प्लेन वाले इलाके बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जो भी इलाका वेटलैंड का इलाका है, वो सारा खादर प्लेन ही बना रहा होता है. द खादर लैंड कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड. तो ये बेसिकली क्या होंगे, जो बहुत ही प्योर, बहुत ही फाइन सेडिमेंट के होंगे. फाइन सेडिमेंट का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप में क्ले लिए रहेंगे, अब पानी मिलने के बाद ये मड बना देता है. क्लियर हो गया क्या चीज है. आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द खादर लैंड हैज बीन ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन एंड डिवोटेड टू शुगर केन, राइस, मेज. जितनी भी वाटर रिटेंशन वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, उनको इस तरह से कल्टिवेशन में लाया गया. द खादर डिपॉजिट्स हैव द फॉसिल्स ऑफ लिविंग स्पीसी लाइक मैन, डियर, ये सब चीजें आ जा रही होती हैं. लास्ट वन आती है हमारी डेल्टा प्लेन. हालांकि डेल्टा प्लेन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ खादर प्लेन, लेकिन थोड़ा सा यहां पर अंतर ये होता है कि खादर प्लेन सेलाइन नहीं होती है, जबकि जो हमारी डेल्टा प्लेन है ये समुद्री पानी के, ओशियन वाटर्स के कॉन्टैक्ट में आने के कारण से सेलाइन हो जाती है. और यही इन दोनों में एक डिफरेंस इसी वजह से अलग लिखा गया है कि डेल्टाइक प्लेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ खादर लैंड. इट कवर्स अबाउट 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन द लोअर रीचेस ऑफ गंगा रिवर. इनफैक्ट इट इज अ एरिया ऑफ डिपोजिशन एज द रिवर flows in this tract sluggishly. The deltaic plain consists mainly of old mud, new mud and marshy. In the delta region, the uplands are called chars, while marshy area are known as bheel. The delta of Ganga being an active one is extending towards the Bay of Bengal. तो इसमें कुछ खास नहीं, बट हाँ ये चीज आपको केवल ध्यान में रखना है कि it is different from Khadar plain. क्यों? क्योंकि यहाँ पर alkalinity ज्यादा होती है, saline soils होती हैं. Clear हो गया. Now coming to the next classification, and this classification has very much importance in your paper 2 geography optional. अब ये है हमारे आरएल सिंह की क्लासिफिकेशन. डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ आरएल सिंह ऑफ ग्रेट इंडियन ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. तो आप सीधे बताएंगे क्या चीज है. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ना तो ये हमारे माजू साइन बुक में मिलेगा और ना ही खुल्लर में मिलेगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. As per scheme of RL Singh, the Great Plains of India are divided into following regions. तीन तरीके से divide किया गया है. एक किया गया बड़े level पे. बड़े level मतलब meso level, या मैं बोल सकता है macro type का ये division है. फिर होती है थोड़ी सी micro level पे आएंगे, जिसको बोल सकते हैं first order region. और उसके बाद और micro level पे चले जाते हैं, तो वो चली जाती है second order division. तो basically आपको ये division ही याद रखना है क्या चीज है. इसको मैंने आप लोगों को table में कर दिया है. तो मीजो रीजन, फर्स्ट ऑर्डर रीजन एंड सेकंड ऑर्डर रीजन, ये आपको देखने को मिलेगा. जैसे यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया मीजो रीजन को. जैसे मीजो रीजन जो होता है वो सिक्स पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज राजस्थान प्लेन. राजस्थान प्लेन में फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन जब आप देखेंगे तो दो टाइप का है. वन इज मरुस्थली एंड सेकेंड वन इज राजस्थान बांगर, जिसको बोल सकते हैं ईस्ट राजस्थान का प्लेन हो गया एक तरीके से. मरुस्थली साइड में जब आप चले आएंगे तो वहां पर आ जाएगा जैसलमेर मरुस्थली हो गई, बनेर मरुस्थली हो गई, बीकानेर चुरू मरुस्थली हो गई. और वही अगर राजस्थान बांगर के साइड में आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा घाघर प्लेन, शेखावती प्लेन, नागौर प्लेन और लूनी बेसिन. तो ये सेकेंड ऑर्डर डिवीजन हो जा रहा होता है. तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि मैक्रो से हम लोग माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं. यही मीजो, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डिवीजन कर दिया गया था हमारे आरएल सिंह साहब के द्वारा. सेकेंड आती है हमारी पंजाब प्लेन. पंजाब प्लेन में अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन नॉर्थ, पंजाब प्लेन साउथ. पंजाब प्लेन नॉर्थ जो होती है ये रिवर्स के द्वारा काफी अच्छा ड्रेन्ड है, और जबकि साउथ में रिवर की स्केर्सिटी हमें देखने को मिल रही होती है. नॉर्थ वाले साइड में आ जाएंगे तो देखिए होशियारपुर चंडीगढ़ प्लेन, यहां पर अच्छा खासा पानी है. अपर बन दोआब हो गया,
जुलंधर प्लेन हो गया, फिर पंजाब मालवा और ये सब जो है वो साउथ में चली जाती है, पंजाब मालवा अंबाला प्लेन कुरुक्षेत्र प्लेन वेस्टर्न हरियाणा एंड सदर्न हरियाणा, तो ये चली जाती है हमारी साउथ वाले साइड में। मिजो रीजन में अगर बात करें तो देखिए गंगा ट्रैक्ट पे हम लोग आ गए हैं। गंगा को दो पार्ट में, इनफैक्ट तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर गंगा मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाती है अपर गंगा प्लेन नॉर्थ, अपर गंगा साउथ। सेकेंड ऑर्डर में आ जाए तो देखिए डिवीजन किया गया है रोहिलखंड अवध प्लेन, अपर गंगा यमुना दुआब, ट्रांस यमुना प्लेन, लोअर गंगा यमुना दुआब, और ये दिया गया है इस तरीके से दोनों में डिवीजन कर दिया गया है। अगर साउथ वाले साइड में बात करेंगे अपर गंगा प्लेन साउथ, तो ये गंगा यमुना हो गई या ट्रांस यमुना हो गई, लोअर गंगा यमुना, ये चली जाती है हमारे साउथ वाले साइड में। हालांकि देखिए इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये क्लासिफिकेशन में और थोड़ा सा क्लैरिटी जरूरी है। मिडिल गंगा प्लेन में आ जाएंगे तो अगेन मिडिल गंगा प्लेन नॉर्थ, मिडिल गंगा प्लेन साउथ। नॉर्थ में आएंगे तो वहां पर गंगा घाघरा डिवाइड देखने को मिलेगा, सरयूपुर प्लेन मिलेगा, मिथिलापुर प्लेन मिलेगा, और वही साउथ में देखेंगे तो कोसी प्लेन मिल जाएगी, सोन गंगा डिवाइड मिल जाएगा और मगध गंगा ट्रैक्ट मिल जाएगा। लोअर गंगा प्लेन के बारे में बात करें तो देखिए नॉर्थ बंगाल प्लेन हो गया, डेल्टा प्रॉपर हो गया और रार प्लेन हो जाती है। इसमें अगर सेकंड ऑर्डर देखेंगे तो दूरास ट्रैक्ट, तीस्ता फ्लड प्लेन, मोरीबंद प्लेन, मैच्योर डेल्टा, एक्टिव डेल्टा, मयूराक्षी प्लेन, बंकुरा प्लेन एंड मिदनापुर अपलैंड, ये हमें देखने को मिल जा रही होती है। असम वैली में आ जाएंगे तो अगेन देखिए अपर और लोअर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और यहां पर भी बहुत ही आसान सा डिवीजन है। सेकंड ऑर्डर में भी अपर असम नॉर्थ, अपर असम साउथ, लोअर असम नॉर्थ, लोअर असम साउथ। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली आरएल सिंह की इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को देखा। आगे बात करते हैं और हम लोग जरा बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो देखते हैं आखिर में क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, वन बाय वन करके देखेंगे। हालांकि ये जो होता है आपको बहुत ही क्लैरिटी ऑलरेडी होगी, जीएस का टॉपिक है ये। द सॉइल ऑफ द प्लेन आर एग्रीकल्चरली मोस्ट फर्टाइल एंड दे आर बींग डिवोटेड टू द सीरियल एंड नॉन सीरियल क्रॉप। द प्लेन्स आर ऑफन टर्म्ड एज ग्रैनरी ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए पूरे के पूरे इलाके को ये खाना पहुंचा रहा है, इसलिए ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोल दिया रहा है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ट्रांसवर्सिंग द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर पेरिनियल इन नेचर, अ नंबर ऑफ कैनाल्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ दीज रिवर्स विच मेक एग्रीकल्चर मोर रिम्यूनरेटिव एंड सस्टेनेबल। तो ऑब्वियसली इसी वजह से जितने भी पंजाब के इलाके हो गए, चाहे हरियाणा हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे बिहार हो गया या फिर असम वैली हो गई, बंगाल हो गया, ये पूरे के पूरे इलाके का जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर ही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली द ज्योग्राफिक कंडीशन आर प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी एज एग्रीकल्चर। क्लियर? नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन हैव अ रिच अंडरग्राउंड वाटर टेबल विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड थ्रू ट्यूबवेल्स एंड पंपिंग सेट फॉर इरिगेशन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। ऑब्वियसली बात है कि रिवर की अवेलेबिलिटी है तो पानी अच्छा खासा अवेलेबल है। द रिवर्स ऑफ द प्लेन हैव वेरी जेंटल ग्रेडियंट विच मेक्स देम नेविगेबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और यहीं पर आप लिख सकते हैं कि जैसे हमारा गंगा का जो प्लेन है, गंगा का जो रिवर है, वो इनलैंड ड्रेनेज के लिए हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं और इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट वाटरवे, इंटरनेशनल वाटरवे भी हम लोग बना रहे हैं एशिया की। ठीक है, चलिए खैर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड रेलवे कुड हैव इजी इन द प्लेन। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है प्लेन इलाका है, टोपोग्राफी आसान है, बनाना आसान है। सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ प्लेन हैव पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। सेडिमेंटरी प्लेन है, मरीन ओरिजिन है, मरीन डिपॉजिट है, ब्लैंडफोर्ड में भी हमारे बोला गया था और हमारे रेमिनेंट्स ऑफ सी में भी बताया गया है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट होना बहुत ही आम बात है। ऑल्दो वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी एंड दैट इज वाई वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज फ्रॉम ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। हालांकि बाड़मेर से देखिए हम लोग निकालते भी हैं, बाड़मेर में अच्छा खासा जो होता है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की डिपॉजिट भी है। वहां पर स्लम बर्जर हो गई या फिर आपकी ONGC हो गई, ये दोनों के दोनों वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर भी रही है, बट फॉर द अदर थिंग्स हम लोग नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए उतनी अच्छी अभी इंप्रूव्ड वर्जन में नहीं है। द प्लेन कंस्टिट्यूट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री बट सपोर्ट ओवर 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है कि काफी ज्यादा प्रेशर है, काफी ज्यादा बर्डन है। लास्ट पॉइंट आ जाती है कि द प्लेन हैव विटनेस सेवरल रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चरल एंड सोशल मूवमेंट्स सिंस द डॉन ऑफ द हिस्ट्री। सम ऑफ द ग्रेट रीजियंस रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म हैव देयर ओरिजिन एट द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। सेवरल सेक्रेट प्लेसेस जैसे कि आपकी अमृतसर हो गई, हरिद्वार हो गई, इलाहाबाद हो गई, वाराणसी, कुशीनगर, बोधगया एटसेट्रा आर सिचुएटेड इन दीज प्लेन्स। तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है,
उसको ज्वाइन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो वहां से ट्रेस करिए अपने डाउट्स। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।